हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान और आप देख रहे हैं चैनल टेक ग्रो प्लस। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ नया सिखाने वाला हूं, ध्यान से सीखेगा। देखिए यहां पर मैंने दो एग्जांपल लिए हैं, पहली शीट ये वाली ली है और दूसरी शीट है ये वाली। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है, पहली शीट के अंदर यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है कोड की। देखिये 101, 102, 103 यहाँ पर हमारे सीरियल नंबर भरे हुए हैं, ठीक है। दूसरी लिस्ट में सेकेंड कोड लिस्ट है 1001, 1002, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला आइटम इस आइटम के नीचे चाहिए, यानी कि यहाँ पर मुझे रिजल्ट ये चाहिए इस टाइप का 101, 1001, 102, 1002, जैसे कि है ना 101, 1001, 102, 1002। तो इन दोनों आइटम को हमें एक ही लाइन में चाहिए, लेकिन जिगजैग चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, इस तरह से हमें ये चाहिए। दूसरी शीट में क्या है, सेम यही है बट यहाँ पर आइटम कुछ और है। यहाँ पर कंपनी के नेम की लिस्ट है और यहाँ पर है उनका एड्रेस, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कंपनी का नेम यहाँ पर चाहिए और उसके नीचे उसका एड्रेस चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक ब्लैंक सेल आ जाए, फिर अगली कंपनी का नेम यहाँ पर आ जाए और उसके नीचे ये वाला एड्रेस आ जाए, ठीक है, उसके बाद एक ब्लैंक सेल आ जाए। ये मान लीजिए हमारे पास अगर बहुत बड़ा डेटा है, जैसे देखिए यहाँ पर 6901 काउंटिंग है, ठीक है, तो बड़े डेटा में हम कैसे करेंगे, छोटे में तो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बड़े में हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस वाली शीट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मैं सीरियल नंबर देता हूँ, एस नंबर, ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और इन दोनों को हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये सीरियल नंबर नीचे तक भर जाएंगे। देखिए 100 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस सीरियल नंबर को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, 100 तक पूरे कॉपी हो गए। इसके नीचे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हमें ऊपर जाना है और इस डेटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको सॉर्ट कर देना है सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो सॉर्टिंग करने के लिए हम जाएंगे डेटा में और यहाँ पर है सॉर्ट। अब इसको हमें बताना है किस बेस पर सॉर्ट करना है, हमें सॉर्ट करना है सीरियल नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हेडिंग नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे माई डेटा हैज ए हेडर और यहाँ पर हम देते हैं सीरियल नंबर और ओके। ओके जैसे ही किया तो क्या हुआ कि हर एक सेल के बीच में, हर एक रो के बीच में ब्लैंक सेल इंसर्ट हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो 1 था वो ऊपर आ गया है, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ठीक है, ऊपर आ गए। अब देखिए यहाँ पर मैं रिजल्ट दिखाता हूँ इसको, मैं बोलता हूँ यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला बहुत ईजी है, देखिए यहाँ पर हम करेंगे इक्वल टू दिस, एंटर, ठीक है। अगले सेल में इक्वल टू दिस, एंटर, ठीक है। बस दो ये हमें इक्वल टू करने हैं, उसके बाद दोनों को सेलेक्ट करना है और नीचे तक इसको हमें ड्रैग कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारे जो डेटा है वो एक ही सेल के अंदर आ गया है, 101 यहाँ आ गया है, 1001 यहाँ आ गया है, 102, 1002। इसी तरह से हमारी पूरी जो सीरीज है वो एक ही कॉलम में आ गई है, ठीक है। चलिए अब हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस वाली शीट के अंदर। यहाँ पर मैंने ब्लैंक सेल नहीं लिया था इस वाली शीट के अंदर, है ना, यहाँ पर एक ब्लैंक सेल भी हमें चाहिए, तो वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट करूंगा और यहाँ पर देते हैं सीरियल नंबर, एस नंबर, यहाँ पर हेडिंग कुछ भी डाल सकते हैं, 1, 2, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, प्लस आ जाएगा, डबल क्लिक और ये नीचे तक फिल हो गया होगा। मैं नीचे जाता हूँ सबसे नीचे, तो यहाँ पर देखिए 6902 तक सीरियल नंबर आ गए हैं। अब मैं इसको पूरे को कॉपी करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट अप वाला एरो, पूरा सेलेक्ट हो गया, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी करा, सबसे नीचे जाकर यहाँ पर पेस्ट करेंगे एक ब्लैंक सेल, ठीक है, और दूसरा मुझे एक और चाहिए तो इसके नीचे मैं लास्ट में जाऊंगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो, सबसे नीचे आ गए, यहाँ पर कंट्रोल वी, दो बार पेस्ट करा, यानी कि दो बार ब्लैंक सेल पहुंच जाएंगे हर एक के बीच में। अब कर देते हैं हम इसको सॉर्ट, सॉर्ट करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे और डेटा में जाकर सॉर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर सॉर्ट बाय सीरियल नंबर, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर दो दो रो इंसर्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वल टू दिस, एंटर, उसके बाद एड्रेस चाहिए तो इक्वल टू एड्रेस, एंटर, उसके बाद मुझे ब्लैंक चाहिए तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करूंगा। अब मुझे क्या करना है, तीनों को सिलेक्ट करना है और इन तीनों को पकड़ के ड्रैग कर देना है नीचे तक। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ड्रैग कर लिया है और ये सारे हैं, नेम के नीचे एड्रेस आ गया है। अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं NDMC और ये वाला आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ठीक है। तो नेम के नीचे एड्रेस आ गया है और उसके बाद एक ब्लैंक सेल भी आ गया है। अभी यहाँ पर मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर देता हूँ।
मैं यहाँ पर पहले इसको हेडिंग देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लिस्ट। चलो ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर मुझे सीरियल नंबर चाहिए 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये जो हमारा डेटा है अगर डिलीट करेंगे तो यहाँ पर ये हट जाएगा, कंट्रोल जेड। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके मैं फॉर्मूले हटा देता हूँ। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कंट्रोल सी, उसके बाद राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ओके। तो इसके फॉर्मूले गायब हो गए हैं ये देखिए, ठीक है। अब मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ये वाला भी डिलीट। अब मुझे सीरियल नंबर चाहिए थे 1, 2, 3, बट यहाँ पर 1, 1, 1, 2, 2 ऐसे आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में जैसे बताया था आपको, वो करना है, फॉर्मूला लगाना है इफ वाला। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट ले लेता हूँ, दो इंसर्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, अगली लाइन में लगाते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं 1। अगली लाइन में समझ में आएगा आपको, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट दिस इक्वल टू दिस। तो यानी कि अगर ये और ये बराबर है तो क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक कर दे। तो कॉमा लगाएंगे, वैल्यू इफ ट्रू, तो यहाँ पर हम देंगे ब्लैंक एरिया, ब्लैंक के लिए हम करेंगे दो इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा अगर ब्लैंक नहीं है, वैल्यू इफ फॉल्स, तो क्या करे वो ये वाली वैल्यू भर दे जो C3 के अंदर है, ठीक है। ये यहाँ पर बॉक्स थोड़ा छोटा हो गया, तो मैं मैनुअली यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ C3 ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको मैं थोड़ा बड़ा करके इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ, ये वाला ये है ना फॉर्मूला लगा हुआ, नीचे तक ड्रैग। देखिए मैंने इसको छोड़ दिया, तो इस वाले के सामने आ गया 1, इस वाले के सामने 2, ये मैंने यहाँ तक ड्रैग किया है, आप नीचे तक कर लेना। अब मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, फिर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल वैल्यू और ओके। तो हमारे फॉर्मूले डिलीट हो गए हैं, वैल्यू वैल्यू बची है यहाँ पर, ये देखिए इसको हम कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये यहाँ पर 1 आ गया है। इसको हम यहाँ पर देते हैं सीरियल नंबर, एस नंबर, ओके। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 में ये वाला कंपनी नेम है और ये एड्रेस है, 2 में ये कंपनी नेम है, ये एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम दो लाइन के डेटा को एक लाइन में इस तरह से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर दबाएं, आपके लाइक करने से मुझे और वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। इसके अलावा दोस्तों आप इस वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं या किसी ऑफिस में काम करते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। अगली वीडियो में आप कौन सा फॉर्मूला या कमांड सीखना चाहते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।